हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आज मैं आपको प्लूमेरिया की केयर के बारे में बताऊंगी। साथ में इसमें एक इशू जब रहता है कि फ्लावरिंग का थोड़ा इफेक्ट आता है जब हम इसे पॉट में लगाते हैं, तो आज इसी पे डिस्कशन करूंगी कि कैसे इसकी फ्लावरिंग आप अच्छे से ले सकें और कैसे इसकी केयर कर सकें। साथ में कटिंग कैसे बनाने चंपा की, कि बहुत लोग व्यूअर्स बोलते हैं कि कटिंग नहीं ग्रो हो पाती है। तो बहुत ईजी है इसकी कटिंग बनाना, पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कटिंग बनाते वक्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहले मैं आपको सभी फ्लावर दिखा देती हूँ, जितने भी मेरे प्लांट हैं जो मैंने कटिंग के थ्रू बनाए हैं। मैंने कोई भी चंपा का प्लांट परचेज नहीं किया है, सब कटिंग के थ्रू बनाए हैं। तो सभी में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग इस समय स्टार्ट है। तो पहले एक लुक आपको दिखा देती हूँ सबकी फ्लावरिंग का। अच्छी सी ब्रांचें बनी हुई हैं और इसको मैंने टीन में लगा रखा है। काफ़ी अच्छी सी इसकी भी आप देख सकते हैं शेप बनी हुई है और इसमें ब्लूमिंग आप देख रहे होंगे। एक और तरफ ब्लूमिंग इसमें आई है, तो कुछ इस तरह से इसका लुक है। और इस आप एक साइड में और भी देख सकते हैं, ब्लूमिंग अच्छी से है इसके अंदर। तो ये जो वैरायटी है हमेशा आपके समर में और विंटर दोनों में फ्लावरिंग कंटिन्यूसली करती रहती है। बस जब बहुत ज़्यादा जाड़े पड़ते हैं, मतलब बहुत पीक पे विंटर होता है, तब थोड़ा सा ये रुकती है, बाकी हमेशा ये फ्लावरिंग करती रहती है। तो चंपा को बहुत ही लगाना ईजी होता है, ज़्यादा केयर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं। चलिए मैं और दिखाती हूँ। ये चंपा का सेकंड प्लांट है, इसको मैंने पॉट में लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसने भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग आई हुई है। ये थर्ड प्लांट है चंपा का और आप देख सकते हैं दोनों ही में फ्लावर बहुत अच्छे से स्टिक में खिले हुए हैं इसकी, और काफ़ी बड़ा हो चुका है ये और मैंने इसको भी टीन में लगाया हुआ है। तो ये तो कटिंग है, इसके अंदर दो कटिंग लगी हुई हैं। तो मैं ऐसे ही पुराने डब्बे लेती हूँ जिसके अंदर मैं कटिंग लगाती हूँ, तो ये दो कटिंग लगी हुई हैं अच्छे से और ये काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है और फ्लावरिंग भी है आप देख सकते हैं। तो ये दो प्लांट तैयार हो चुके हैं और ये रेड चंपा है, गुलाचीन बोल सकते हैं या प्लूमेरिया भी इसे बोल सकते हैं। तो ये तीन नाम से बहुत ही फेमस है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ब्लूमिंग में है इस समय रेड चंपा। तो इसके भी मेरे पास एक और प्लांट है, तो ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। तो आप देख सकते हैं ब्लूमिंग बहुत अच्छे से भरी हुई है और मैंने इसको एक बड़ा पॉट भी दे दिया क्योंकि बहुत छोटे पॉट में ये लगा हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इसको बड़ा पॉट दे रखा है, ये 14 इंच का पॉट है। तो हमेशा प्लूमेरिया को एक बड़े ही पॉट में लगाना चाहिए क्योंकि हमेशा बड़े हो जाते हैं, ये अच्छी खासी हाइट ले लेते हैं और फिर पॉट गिरने लगता है। तो हमेशा बड़े ही पॉट में लगाइए। ये भी रेड वाला ही चंपा है क्योंकि तो टूट चुका था, बहुत तेज हवा चली थी तो बहुत लंबा हो गया था, इससे भी ज़्यादा हाइट गेन कर ली थी इसने। तो फिर से मैंने इसकी कटिंग कर दी और आप देख सकते हैं कटिंग के बाद कितनी अच्छी ब्रांच सिस्टम आया है इसके अंदर। मेन ट्रंक से आप मेन इसमें कम से कम 4 ब्रांचें निकली हैं और इस ट्रंक से इसमें 3 ब्रांचें निकली हैं। तो एक अच्छा लुक इसका बनेगा, बिल्कुल ट्री जैसा लुक देगा ये। टकनिंग करने से हमेशा प्लांट को बहुत अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग बनता है और बहुत अच्छे से ब्रांच सिस्टम इसमें निकल के आता है, तो शेप बहुत अच्छी बन जाती है। तो प्रूनिंग करना मस्ट होता है। तो ये दूसरा रेड चंपा है, ये येलो चंपा है, इसके येलो फ्लावर आते हैं। तो ये देसी वेराइटी है, ऐसी ही रेड भी देसी वेराइटी है और इसमें भी आप देख रहे हैं आराम से फ्लावर बर्ड्स है और ये खूब खिल चुका है। तो जब तक इस चंपा के अंदर ये स्टॉक रहेगा फ्लावर स्टॉक, तो तब तक ये फ्लावरिंग हमेशा करता रहेगा। और अगर ये स्टॉक टूट जाएगा तो फ्लावरिंग नहीं आएगी क्योंकि एक डाल पे एक ही स्टॉक आता है। फिर नहीं जो बनती है इसके अंदर से ब्रांच निकलती है उसमें फिर से अलग से फ्लावरिंग का बनता है, तो वो बाद में बनता है, पर जब एक ब्रांच वो मैच्योर होने पर देता है तो इसी में ही खूब अच्छे से फ्लावरिंग आती है। तो ये नहीं टूटना चाहिए। तो इसमें मेरे 4 स्टॉक निकले हैं इस प्लांट के अंदर और ये भी बहुत अच्छे से हेल्दी है। तो इस तरह से मैंने सारे जितने भी आपको चंपा दिखाए हैं सब कटिंग के थ्रू बनाए हैं, मैंने एक भी प्लांट परचेज नहीं किया है। तो आज मैं इसका सीक्रेट बताऊंगी कैसे आप कटिंग बना सकती हैं और कितने ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा मनी खर्च करने की प्लांट के ऊपर। सनलाइट की बात करते हैं तो ये फुल सनलाइट वाला प्लांट होता है, इसको 6 आवर्स की मैक्सिमम सनलाइट चाहिए होती है। 2 या 3 आवर की भी आप इसको सनलाइट दे सकते हैं, पर थोड़ा सा फ्लावरिंग पे अफेक्ट आएगा। सॉइल की बात करते हैं तो इसे वेल ड्रेन सॉइल देनी चाहिए,
क्योंकि हम इसे पॉट में ग्रो करते हैं, तो हमेशा वेलड्रेन सॉइल हमेशा ही पॉट में आप रखिए। तो वही रेशो रखिए आप, 50% गार्डन सॉइल, 40% आप कंपोस्ट ले सकते हैं और 10% आप इसमें सैंड यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। जब आप इसको लगाइए किसी पॉट में तो हमेशा बड़ा ही साइज़ का पॉट सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़े हो जाते हैं और इनका स्टेम बहुत हैवी हो जाता है। अगर छोटे पॉट में लगेंगे तो हमेशा ये गिरते रहेंगे, तो हमेशा बड़े ही पॉट में लगाइए। या छोटे पॉट में लगाने के बाद आप इन्हें बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। वाटरिंग की बात करते हैं तो ये फुल सनलाइट में लेते हैं तो इन्हें वाटरिंग की ज़्यादा नीड रहती है। तो समर में आप इनको 2 टाइम वाटरिंग अच्छे से कीजिए, क्योंकि इनके जब फ्लावर होते हैं तो मुरझा जाते हैं, इसलिए जब समर में इनको 2 टाइम की वाटरिंग की नीड होती है। और विंटर में आप इन्हें 1 टाइम भी वाटरिंग कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आती है। तो फुल सनलाइट में जब रहते हैं तो वाटर ज़्यादा लगता है प्लांट में। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो आप इसको मंथ में 3 बार कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या मंथ में 2 बार रॉ फर्टिलाइज़र आप इसे दे सकते हैं कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। मैं इन्हें मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो मैं इसे मंथ में 3 बार मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो इससे ब्लूमिंग बहुत अच्छी होती है। तो बात करते हैं जब इसकी कम ब्लूमिंग होती है, तो जब ब्लूमिंग कम इसलिए होती है जब हम इसे पॉट में लगाते हैं, और प्लांट पॉट में जब लगा होता है तो उसे काफ़ी नीड होती है फर्टिलाइज़र की, न्यूट्रिशंस की, तो वो उसे प्रॉपर मिल नहीं पाती, इसलिए ब्लूमिंग पे हमेशा अफेक्ट आता है और ब्लूमिंग अच्छे से नहीं होती है प्लांट में। तो जब आप इसे फर्टिलाइज़र प्रॉपरली वे में देंगे, शेड्यूल बना के देंगे कि मंथ में 3 बार, तब ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो आप इसको NPK 19-19-19 मंथ में 2 बार दे सकते हैं 15 डेज के इंटरवल पे, तो इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग आती है। तो ख्याल रखिए इसका डाइल्यूशन ही बना के इसको दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की, तो प्रूनिंग इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये अपने आप ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, पर जब हम इसे पॉट में लगाए होते हैं तो ये इसकी एक शेप मेंटेन करनी होती है, तो प्रूनिंग आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। तो इसकी प्रूनिंग आपको फरवरी में स्टार्ट करनी है, फरवरी के आप एंड में कर सकते हैं, या फरवरी मिड में भी कर सकते हैं, या मार्च में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में अच्छे से ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और जो देसी वेराइटी होती है वो डोरमेंसी से बाहर निकलने लगती है। तो प्रूनिंग आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन सीजन मैंने आपको बता दिया है, फरवरी या फिर मार्च में आप इसको कर सकते हैं, तो उसे इसमें एक शेप मेंटेन होती है और फ्लावर तो ये अच्छे जैसे भी देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े हो जाते हैं और हमें इसे पॉट में एक शेप में मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे और फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जितना हो सके इसको आप प्रून करके एक शेप मेंटेन रखें। प्रोपगेशन की बात करते हैं तो प्लूमेरिया को 2 तरह से आप लगा सकते हैं, एक कटिंग से और एक सीड से लगते हैं। तो सीड तो जब बहुत मैच्योर होने पर बनते हैं, पर आप कटिंग से बहुत ईजिली इसे लगा सकते हैं, तो कटिंग आपको हमेशा कहीं ना कहीं मिल जाएगी, क्योंकि ये आराम से पार्क में रोड साइड आराम से लगे होते हैं, तो आप कटिंग इसकी ले सकते हैं। तो चलिए कटिंग कैसे लगाते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये कटिंग ले रखी है और ये 14 इंच की है, आप इससे बड़ी भी कटिंग लगा सकते हैं प्लूमेरिया की। प्लूमेरिया की कटिंग हमेशा बड़ी ही लगानी चाहिए, ये आराम से ग्रो हो जाते हैं, और छोटी कटिंग से फिर बड़े होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, और जितनी बड़ी कटिंग आप लगाएंगे उतनी जल्दी ही प्लांट बड़े फॉर्म में आ जाएगा। तो मैंने ये 14 इंच की कटिंग ली है और मैंने इसको 20 डेज के लिए अच्छे से ड्राई किया है, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो इसमें से मिल्क जैसा निकलता है, और जब हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही लगा देंगे तो कभी भी कटिंग आपकी सक्सेस नहीं होगी, इन्फेक्शन बहुत जल्दी कटिंग में हो जाएगा और जो स्टेम होता है बिल्कुल सॉफ्ट होकर गलना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा आप इसको पहले अच्छे से ड्राई कीजिए, तो 10 डेज आप लग सकते हैं या 20 डेज भी आप इसको ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी ख़राब नहीं होते हैं, जिंदा रहता है, मरता नहीं है इतनी जल्दी। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां भी हरी हैं बिल्कुल, बस थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, लेकिन ये जब वाटरिंग इसको मिलेगी तो ये अच्छा सा हेल्दी हो जाएगा। पर इस पार्ट को आपको बिल्कुल ड्राई करना होगा, अगर आप इसको ड्राई नहीं करते हैं तो इसी पार्ट से इन्फेक्शन पूरे प्लांट में पहुँच जाएगा और कटिंग आपकी बहुत जल्दी ड्राई मर जाएगी। तो इसलिए कटिंग हमेशा बनाते वक्त अब ये ख्याल रखें कि हमें इसको ड्राई करना है, ऐसे नहीं लगाना है। अक्सर हम व्यूअर्स बोलते हैं कि उनकी कटिंग प्लूमेरिया की मर गई है, तो यही रीज़न होता है कि कटिंग जब भी आप लगाते हैं डायरेक्टली लगा लेते हैं और धीरे धीरे जैसे वाटर मिलता जाता है उसको और सॉइल में इन्फेक्शन मिल जाता है उसको, तो उसकी वजह से कटिंग बहुत जल्दी ख़राब होती है, इसलिए आप हमेशा ड्राई कीजिए। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 हेड हैं और ये थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, क्योंकि अभी भी ये
सही है, इस समय ये बिल्कुल अच्छे से है, और अगर ये ख़राब होता तो इसकी ये पत्ती भी ड्राई हो जाती, तो ये ऐसा नहीं होता, इनमें बहुत ही स्टैमिना होता है। ये ऐसे कटिंग करके आप इनको रख सकते हैं काफ़ी दिन के लिए। तो आप देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से मैंने ये बिल्कुल ड्राई किया हुआ है, और अब मैं इसमें फंजीसाइड लगाऊंगी जिससे ये और प्रोटेक्टिव हो जाए, बिल्कुल भी ख़राब हो ना हो हमारी कटिंग, और उसके बाद हमें इसे सॉइल में लगाना है। चलिए फंजीसाइड लगा लेते हैं। तो आप कोई भी फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं, फंजीसाइड लगाना मस्ट होता है, जब भी आप कटिंग लगाएं तो फंजीसाइड हमेशा यूज़ कीजिए। तो पहले मैं इसको पानी में डाइल्यूट कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे सूखे में तो ये लग नहीं पाएगा। तो मैंने फंजीसाइड को डाइल्यूट कर लिया है, और अब मैं इसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से लगा लेती हूँ। तो हम पूरा कवर करेंगे जितना एरिया हमको इसको सॉइल में दबाना है। अब इसको ड्राई करके रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि अभी हम लगाएंगे तो ये पूरी फंजीसाइड मिट्टी में चली जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ड्राई कर लेती। तो कटिंग के लिए मैंने पॉट तैयार कर लिया है। मैंने एक नॉर्मली पॉट ऐसे एक प्लास्टिक का ले लिया है, जिसको मैंने पॉट बना लिया है। तो ये नॉर्मल घर में डब्बे होते हैं, वही मैंने यूज़ किए हैं, क्योंकि मेरे पास पॉट नहीं था। तो मैंने सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है। तो कटिंग के लिए कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं ऐड किया जाता है सॉइल में, आप प्लेन गार्डन सॉइल लीजिए, या गमले की पुरानी मिट्टी भी आप ले सकते हैं। और मैंने इसके अंदर वाटरिंग कर दी है जिससे कि मिट्टी सेट हो जाए, और जब मैं कटिंग लगाऊं तो कटिंग बिल्कुल ढीले नहीं, बिल्कुल टाइट होके लग जाए इसके अंदर। अगर हम ड्राई सॉइल लेते हैं जब हम कटिंग लगाते हैं, और जब वाटरिंग करते हैं, तो हमेशा कटिंग आपकी हिलती डुलती है, तो वो फिक्स नहीं हो पाती है, और जो भी हम फंजीसाइड या कुछ डालते हैं उसके ऊपर, तो वो प्रॉपर पानी में मिल जाता है। इसलिए हमेशा कटिंग लगाने से पहले आप सॉइल को नम कर लीजिए और फिर लगाइए, तो कटिंग कभी हिलती नहीं है और बिल्कुल टाइट फिक्स हो जाती है। तो ये काम आप हमेशा पहले कर लीजिए जब आपको कटिंग लगानी हो। एक पॉट तैयार कर लीजिए, पॉट की सॉइल के अंदर पानी पहले से डाल लीजिए। मैंने तो अभी अभी डाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए अब कटिंग लगा लेते हैं। तो पहले मैं इसमें किसी भी पॉइंटेड चीज़ से होल्ड कर लेती हूँ, इसमें कटिंग लगानी है हमको। तो अब फंजीसाइड सूख चुका है, और चलिए अब इसको लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको फिट कर दिया है बिल्कुल टाइट से, और थोड़ी सी मुझे मिट्टी कम लगी थी, मैंने थोड़ी सी मिट्टी और ऐड कर दी है। तो अच्छे से हमें बिल्कुल प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारी कटिंग बिल्कुल लूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर लूज़ होगी और गैप रहेगा तो कटिंग सक्सेस नहीं होगी। तो बिल्कुल टाइट से आप इसको दबा दीजिए बिल्कुल ऐसे तरीके से, और बस हल्का सा ही वाटर स्प्रे करूँगी मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मिट्टी को नम कर लिया था, तो मैं ज़्यादा वाटर नहीं डालूँगी। और अब इसको शेडी एरिया में रख देना है। अगर आपके ना बारिश हो रही है तो हल्की बारिश में भी आप इसको रख सकते हैं, पर जब इसकी सॉइल की मिट्टी ड्राई हो। तो आप देख सकते हैं मैंने कटिंग अच्छे से लगा दी है, और हल्का सा पानी भी स्प्रे कर दिया है। अब इसको हमें शेडी एरिया में रखना पड़ेगा, अब इसको बिल्कुल धूप नहीं दिखानी है इस समय हमें, और 20 से 25 दिन के अंदर ये कटिंग तैयार हो जाएगी। वाटरिंग आप तभी कीजिएगा जब इसकी सॉइल सूख जाए, नहीं तो जब तक नहीं सूखती तब तक इसको आराम से आप ऐसे ही चलने दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये प्लूमेरिया पुडिका है, और मैंने इसकी भी कटिंग सेम इसी प्रोसेस से तैयार की थी, और इसमें 4 कटिंग तैयार हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं 4 कटिंग लगी हुई हैं, और फ्लावर बड भी आ गई है। तो अब ये कटिंग बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हैं, अब ये लगाने वाला हो गया है। तो अब मैं जब पॉट मेरे पास होगा तो मैं शिफ्ट कर दूँगी। तो इस मेथड से आप कई बहुत सारी कटिंग बना सकते हैं, ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं प्लूमेरिया के, और कोई पैसा नहीं खर्च होता है, और ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। वैसे तो एक बहुत कॉस्टली प्लांट होते हैं, 300-400 रुपए के मिलते हैं, और ये तो आराम से जब आप कटिंग से बनाएंगे तो फ्री में तैयार हो जाएंगे। और मैंने 4 प्लांट तैयार कर लिए हैं, तो आप भी कटिंग से लगाइए और ढेर सारे प्लांट बनाइए। इस तरह से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, मैंने ऐसे ही प्लांट तैयार किए हैं, और देखिए कितने अच्छे लगते हैं इसकी ब्लूमिंग जब खिले होती हैं। एक लास्ट का व्यू देती हुई अपने चंपा के फ्लावर का। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।